भाई धक्का मत दो आगे, धक्का मत दो आपके तो श्री कृष्ण आराध्य देव है। आप कल भी जन्माष्टमी गोवर्धन भी गए, उज्जैन गए, इस्कॉन टेम्पल गए, आज यहाँ आए और आपने श्री कृष्ण गगन पर बनाने की घोषणा भी की है। आज अरे आराम से कर लो, चुपचाप छोड़ो तार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मैं कृष्ण जन्माष्टमी एवं कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान गोविंद देव जी हमारे इस जयपुर के आराध्य हैं। आज नंद उत्सव की उनकी जो शोभा यात्रा निकल रही है, आप देख रहे हैं कि जयपुर की जनता उस शोभा यात्रा के लिए कितने उत्साह और उमंग के साथ पूरे जयपुर के अंदर ये यात्रा निकलेगी। मैं इस अवसर पर सभी हमारे जयपुरवासी और इस गोविंद देव जी मंदिर से जुड़े सभी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा की तरह आज भी नंद जन्मोत्सव की ये शोभा यात्रा का आज शुभारंभ हुआ है। उसमें हमारी मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारी सांसद मंजू जी, यहाँ के स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी और तमाम गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से इन उत्सवों, इन शोभा यात्राओं से हमारी संस्कृति, हमारी विरासत आगे बढ़ती है और आने वाली पीढ़ी को उससे दिशा भी मिलती है। भगवान कृष्ण वो ऐसे हैं कि उन्होंने पूरे संसार को भागवत गीता के माध्यम से जो उपदेश दिया है, कर्म करने की जो उन्होंने संज्ञा दी है, निश्चित रूप से आज के समय में वो भागवत अगर मन से उसको पढ़ कर के चलें तो जीवन में सार्थकता आती है। उसी के उपलक्ष्य में कल आपने देखा होगा कि हमने भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और वहाँ से वो उज्जैन संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। हमने श्री कृष्ण गमन पथ जिस रास्ते से वो गए थे उसको राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार उसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र उसको बनाएगी। उनके ऐसे अनेक चिन्ह हैं, जब वो गए हैं उन्होंने उनका जो प्रभाव है वहाँ छोड़ा है, ऐसे सभी तीर्थ स्थलों को विकसित भी किया जाएगा जैसा कि मैंने कल कहा था। और ये भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रति सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सौहार्द भी बनेगा और हमारे एक पर्यटन की दृष्टि से एक नया कॉरिडोर बनेगा। मैं आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
मेरा वॉक थ्रू पूरा इंजेस्ट करवाओ वापस। हाँ ठीक है। लाइव लेंगे भाई, यात्रा निकल गई भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है इधर। I'm not.
अरे प्राण, मैं अगर आज आपने मिली अपना, मेरे को जरूरत नहीं है, वही चल जाएगी फिर, ये मेरे को मत बोलना। हाँ